फन्ने खां का टीजर रिलीज हो गया है। करीब एक मिनट के टीजर में 3 सेकंड के लिए ही दिखी हैं ऐश्वर्या। लुंगी और टी शर्ट में अनिल कपूर का लुक कर रहा है अट्रैक्ट। डायरेक्टर अतुल मांजरेकर की अपकमिंग फिल्म फन्ने खां का टीजर रिलीज कर दिया है। इसके बैकग्राउंड में राजकुमार राव की आवाज सुनाई दे रही है, जो ये बता रहे हैं कि फन्ने खां का मतलब है हुनरबाज। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की स्टोरी एक ऐसे फन्ने खां यानी अनिल कपूर की है, जिसने इस नाम की कहानी ही बदल दी। 57 सेकंड के टीजर में ऐश्वर्या की झलक सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिखाई दी। इतने ही सेकंड के लिए राजकुमार राव भी दिखे, लेकिन अनिल कपूर को दोनों से कई गुना ज्यादा टाइम मिला है। वो करीब 10 सेकंड के लिए दिखाई दिए हैं। अनिल कपूर टीजर में लुंगी और टी शर्ट में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अनिल कपूर ने फिल्म का टीजर शेयर करते हुए लिखा है, जो खुद अपनी कहानी लिखे वही है फन्ने खां। बता दें ये फिल्म 2000 में आई बेल्जियम की सटायरिकल फिल्म एवरीबडी इज फेमस की ऑफिशियल रीमेक है। टी सीरीज के बैनर तले बनी ये फिल्म 3 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐश्वर्या राय फिल्म में एक पॉप स्टार के रोल में नजर आएंगी। हाल ही में ऐसी खबर थी कि ऐश उन पर फिल्माए गए एक गाने के लिरिक्स को लेकर मेकर्स से नाराज थी। एक्ट्रेस की नाराजगी देखते हुए लिरिक्स बदल दिए गए। बाद में ऐश्वर्या को शूटिंग में भी कमी नजर आई, तो गाने को फिर से शूट किया जा रहा है।